अवैध अफीम के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, अफीम व मोटरसाइकिल जब्त। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले की विशेष खबर। रविवार को सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों के कब्जे से 1 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त कर मोटरसाइकिल सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब निवासी दोनों आरोपी मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी के नीचे टूल बॉक्स में छिपाकर ले जा रहे थे अवैध अफीम। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने बताया कि ASP बुगलाल व DSP निम्बाहेड़ा आशीष कुमार के सुपरविजन में सदर निम्बाहेड़ा थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर सदर थाने के उप निरीक्षक आजाद पटेल मई जाप्ता द्वारा रविवार को चित्तौड़गढ़ नीमच हाईवे रोड वंडर चौराहा पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा पैशन प्लस पर दो व्यक्ति बैठे हुए आए, जिसे रोका जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई तो पेट्रोल की टंकी के नीचे टूल किट बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में अवैध अफीम भरी हुई मिली, जिसका वजन 1 किलोग्राम हुआ। अवैध अफीम परिवहन करने वाले मोटरसाइकिल सवार पंजाब के तपाला थाना डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर निवासी 45 वर्षीय अवतार सिंह पुत्र कश्मीर सिंह जट सिख एवं तलवंडी गोराया थाना डेरा नानक जिला गुरदासपुर निवासी 30 वर्षीय दीपक मसीह पुत्र मंजीत मसीह ईसाई को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अवैध अफीम की खरीद फरोख्त के संबंध में विस्तृत अनुसंधान जारी है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक आजाद पटेल, ASI सुंदरपाल कानी, सुनील कुमार, सूर्यभान सिंह, दिनेश कुमार व सुरेश कुमार। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।